नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं DST न्यूज़। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता सांसद सैयद जफर इस्लाम। कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं, इसको किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाया है, इसके बाद भी तमाम राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है, इस पर क्या? देखिए, जहाँ तक कृषि कानून है वो किसानों के हित के लिए है। कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियाँ, अपोजिशन पार्टी, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अच्छे बिल को जो किसान के हित में है उसको समर्थन करना चाहिए, उसमें वो कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है और लोगों का मन भड़काने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है उसका समाधान निकाल लिया गया है। आगे आने वाले दिनों में जो 1-2 इश्यूज़ हैं जिसपे अभी तक डेडलॉक है, उसका भी चर्चा करके समाधान निकाल लिया जाएगा। सभी को कोरोना वैक्सीन का इंतजार था, वो अब आ चुका है। रांची भी पहुंच चुका है, 16 से टीकाकरण होना है, इस पर क्या कहें? देखिए, कल से ये मुहिम शुरू होगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पहल से। मुझे लगता है कि देश पे हम खुशकिस्मत लोग हैं जिनको इतनी जल्दी वैक्सीन में मिल रही है। पूरी दुनिया में अभी 2.5 करोड़ वैक्सीन मिलेगी, जबकि हम 30 करोड़ वैक्सीन बनाने का और उसको टीकाकरण करने का काम जो है ऑलरेडी रोड मैप बता चुके हैं। तो यहाँ के वैज्ञानिकों को, यहाँ के और देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं अभिनंदन हम सभी को देना चाहिए कि इसलिए हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आखिरी सवाल है सर, आप झारखंड आए हैं और अभी झारखंड में जो है महिलाओं के साथ लगातार हर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड की सरकार असमर्थ है लॉ एंड ऑर्डर में। झारखंड की सरकार विपक्ष भी राजनीति करती है ऐसे गंभीर मुद्दे पर? नहीं, झारखंड के आज इतने सारे 1600 ऐसे केस हो चुके हैं, वो अपने आप में दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं असमर्थ रही है। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था वो बिगड़ चुका है, सरकारें यहाँ काम नहीं कर रही हैं और वो हर तरह से विफल रही हैं। और 1 साल हो चुका है, लेकिन जो सरकारों का सत्र होना चाहिए वो नहीं रहा। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।